न्यायाधिपति अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग देवेंद्र कछवाहा ने मंगलवार को अजमेर संभाग की राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच का शुभारंभ समारोह पूर्वक किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य रामफूल गुर्जर, पंजीयक राज्य उपभोक्ता आयोग अशोक शर्मा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच प्रभारी न्यायाधीश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, अजमेर जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़, उपभोक्ता मामला विशेषज्ञ अधिवक्ता सूर्य प्रकाश गांधी, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सदस्य दिनेश चतुर्वेदी मौजूद रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच प्रभारी न्यायाधीश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने की। समारोह में राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति देवेंद्र कछवाहा ने कहा कि इस सर्किट बेंच के शुरू होने से अजमेर संभाग के जिलों को फायदा होगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य रामफूल गुर्जर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इससे पहले 18 सितंबर को भरतपुर में सर्किट बेंच का शुभारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य के आम उपभोक्ताओं एवं विद्वान अधिवक्ताओं की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पहले जोधपुर, उदयपुर में 2 सप्ताह की एवं कोटा व बीकानेर में 1 सप्ताह की सर्किट बेंच लगती थी। अब इन्हीं के कार्यकाल में जयपुर की तरह राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर में भी स्थायी उपभोक्ता आयोग के आदेश कर दिए गए हैं। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर सदस्य दिनेश चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अजमेर सर्किट बेंच में अजमेर संभाग के अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, डीडवाना, कुचामन, नागौर सहित अजमेर संभाग के मामलों की सुनवाई की जाएगी। पिछले 20 वर्षों से अजमेर में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच शुरू करने की मांग अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा लगातार उठाई जा रही थी। अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने यहां शुरू हुई राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच शुरू होने पर हर्ष जाहिर किया है। आज अजमेर के अधिवक्ता समुदाय के लिए और संपूर्ण अजमेर जिले के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण रहा कि आज हमारी जो बहुत प्रतीक्षित पिछले 10 साल से जो जिला राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की बेंच की जो मांग की जा रही थी वो आज पूर्ण हुई है। आज की जो उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि अध्यक्ष राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी कछवाहा न्यायाधिपति एवं रजिस्ट्रार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और सदस्य श्री रामफूल जी गुर्जर जो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य हैं, साथ ही जिला अध्यक्ष हमारे उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष और श्रीमती भारती दीक्षित कलेक्टर साहब भी वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात विधिवत रूप से राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्री देवेंद्र कछवाहा जी द्वारा सरस्वती वंदना करते हुए, गणेश पूजन करते हुए, उसके बाद में शिलालेख का अनावरण किया और उसके पश्चात फीता काटकर आज जो है राज्य उपभोक्ता मंच की बेंच का शुभारंभ किया। उपभोक्ता मंच की जो बेंच शुरू हुई है उससे अजमेर न केवल अजमेर के समस्त जिलेवासियों को, साथ ही साथ अधिवक्ता समुदाय को भी काफ़ी राहत प्रदान हुई है, क्योंकि पहले 50 लाख से ऊपर के जो भी मामले थे उसके लिए जयपुर जाना पड़ता था। अब ये है, सारी सुविधा हमें अजमेर में प्राप्त होगी, जिससे न्यायिक कार्य क्षेत्र तो बड़ा ही है, अजमेर पूरे संभाग के लिए ये बेंच कार्यरत रहेगी। और अभी फ़िलहाल वो सावित्री कन्या महाविद्यालय में जारी रहेगी।